टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना अंतर्गत 13 वर्षों से लूट, मारपीट, फिरौती, अन्य मामलों में फरार चल रहे नामी आरोपी नारायण कुशवाहा को घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आपराधिक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे नामी आरोपी को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा एक विशेष टीम गठित कर घेराबंदी कर आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। टीकमगढ़ पुलिस काफ़ी समय से फरार इनामी वारंटियों के पीछे लगी हुई है, तो हमारी सूची में एक मोस्ट वांटेड सूची में हमारे पास एक नाम था नारायण दास कुशवाहा, जो कि करीब 13 साल से फरार चल रहा था तथा इसके ऊपर 25,000 का भी इनाम था। तो इसके पीछे हम लोग लगे हुए थे, टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस दोनों कलेक्ट की जा रही थी इसके बारे में। ये व्यक्ति 2006 के एक मर्डर में और 2007 के एक डबल मर्डर में फरार चल रहा है। 2006 और 7 के दौरान दरमियान पलेरा थाना क्षेत्र में दो कुशवाहा लोगों ने और एक मुसलमान ने मिलकर एक गैंग बनाई थी, जिसका काफ़ी आतंक था, जिन्होंने कई सारे मर्डर प्लस लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। उसमें बाकी सब लोग पकड़े गए, कुछ लोगों का एनकाउंटर हो गया, एकमात्र यही व्यक्ति था जो 13 साल से फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्त से बाहर था। पूरी लोकेशन मिली हमें, सूचना मिली कि ये व्यक्ति आज सुबह टीकमगढ़ की तरफ आ रहा है, तो इसके हमने पूरा नाकाबंदी घेराबंदी करके इसको पकड़ा। तो इसके पकड़े जाने पे इससे एक देसी कट्टा मिला तथा एक डबल बैरल 12 बोर की बंदूक मिली। जब हमने इससे उसके बारे में पूछताछ करी तो ये पाया कि ये वही बंदूक है जो 2007 के डबल मर्डर में जो सरपंच के चुनाव को लेकर हुआ था, उसमें इन्होंने सरपंच से लूट की थी, उसी घटना में वही बंदूक है, और वो बंदूक भी हमने अपने कब्जे में ले ली है। इस प्रकार से टीकमगढ़ पुलिस को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, जिसमें कि 4 लोगों के मर्डर में आरोपी जो फरार चल रहा है वो हमारी गिरफ्त में आया है। तथा इससे की ये खबर भी आई थी कि ये व्यक्ति गुड़गांव में रहकर फर्जी आई कार्ड, रमेश पटेल का आई कार्ड बनाकर, आधार कार्ड बनाकर वहाँ पर निवास कर रहा है, तथा जब कभी आता है तो यहाँ पर लोगों से अवैध वसूली करता है तथा डरा धमका के रहता है। इसका भय इतना था कि कोई भी आज तक पुलिस को किसी प्रकार की जानकारी देने को तैयार नहीं था। पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र बनाया तथा वहाँ पर कई दिनों तक उसके एरिया में जहाँ पर आता है, मूवमेंट करता है, वहाँ पर कई रातों को इसके ऊपर निगाह रखी गई, और उसी के चलते आज की कमगढ़ पुलिस को ये सफलता मिली है, जिसमें सब इंस्पेक्टर नीतू सिंह धाकड़ और SDOP साहब को काफी बधाई के पास। सागर एक्सप्रेस के लिए विजय रेकवार की रिपोर्ट। न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।